गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम क्लास फोर्थ की टेक्स्ट बुक कर रहे हैं। तो उसमें हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने 10 तक के पेजेस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 11। उसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ कुछ आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको उनको सही ऑर्डर में सही फॉर्म में लगाना है। तो ये जो पिक्चर्स दी हुई है, ये सारी एक ईंट बनाने वाली जगह की पिक्चर्स हैं। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी को देखो। सबसे पहले ईंट बनाने के लिए, ईंट के लिए मिट्टी चाहिए होगी हमें, है ना। तो सबसे पहले आएगा सी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ईंटों का शेप देंगे। तो ईंटों के शेप कहाँ दे रहे हैं हम, डी में दे रहे हैं। तो सी के बाद आएगा डी। उसके बाद हम उन ईंटों को सेट करेंगे अलग अलग, ताकि वो धूप में सूख जाए, है ना। तो नंबर बी, और लास्ट में ईंटें हमारी बनके तैयार हो जाएंगी। तो आ गया ए। तो ये है इसका ऑर्डर, सी डी बी ए। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट है पेज नंबर 12 पे, आपको दी हुई है यहाँ एक लाइक द क्वेश्चन इज भजन वांट टू बाय ब्रिक्स, भजन ब्रिक्स खरीदना चाहता है। और जो यहाँ पर प्राइस दी हुई है वो 1000 ब्रिक्स के अकॉर्डिंग दी हुई है। अलग अलग तरह की उसने ब्रिक्स खरीदी हैं, जैसे उसने ओल्ड ब्रिक्स खरीदी ₹1200 फॉर 1000 ब्रिक्स, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ईटापुर ₹1800 फॉर 1000 ब्रिक्स, है ना। नेक्स्ट इज न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, वहाँ से खरीदी उन्होंने 2000 फॉर 1000 ब्रिक्स। अलग अलग रेट पर खरीदी इसने, है ना। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, भजन डिसाइडेड टू बाय द न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, ब्रिकाबाद से नई ब्रिक्स खरीदना चाहता है। ओके, और कितनी खरीदना चाहता है, 3000 ब्रिक्स, है ना। तो अब ब्रिकाबाद से उसने पहले भी खरीदी हैं, क्या रेट थी, 2000 फॉर 1000 ब्रिक्स, कितने रुपीस, 2000 रुपीस दिए उसने, कितने ब्रिक्स के लिए, 1000 ब्रिक्स के लिए। तो अगर हमें एक ब्रिक की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे कट कर देते हैं। देखो, जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो क्या बचा, टू। मींस एक ईंट के लिए उसने 2 रुपीस पे किए हैं। अब आपसे पूछा है 3000 ब्रिक्स की वैल्यू, तो जब आपको पता है एक ब्रिक की वैल्यू 2 है, एक ब्रिक 2 रुपीज़ में आ रही है, तो 3000 ब्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज़ ज़्यादा रुपीज़ में ही आएगी ना। तो जब हम जीरो से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा जीरो आता है, तो 30 आ जाएंगे, सेम बचा 2 3 6, तो क्या आया, 6000 रुपीज़। और यही मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है, जैसे व्हेन भजन बाइज न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, ब्रिकाबाद से जब खरीदेगा वो, तो नंबर ऑफ न्यू ब्रिक्स ब्रॉट फ्रॉम ब्रिकाबाद, ब्रिकाबाद से कितने ब्रिक्स खरीदने की चाहता है, 3000, कॉस्ट ऑफ 1000 न्यू ब्रिक्स फ्रॉम ब्रिकाबाद, ब्रिकाबाद से उसने जब खरीदी तब उसने रेट लगी थी 2000 रुपीज, कितने, 1000 ब्रिक्स के लिए। तो कॉस्ट ऑफ वन न्यू ब्रिक फ्रॉम ब्रिकाबाद, एक ब्रिक की वैल्यू निकालने के लिए हमने 2000 में डिवाइड कर दिया, 1000 का रुपीस आ गया 2। तो अब हमें वैल्यू निकालनी है 3000 ब्रिक्स की, तो हम 3000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और हमारा आंसर आ जाएगा 6000। ओके, आई होप आपको समझ आ गया है ये। एंड द नेक्स्ट इज, तो यही मैंने यही चीज़ फिर से मैंने लिखी, ये यहाँ मैंने लिख दिया ना, हाँ ये हो गया, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस व्हाट ही विल पे इफ ही बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स। आप पूछा है कि कितने रुपीस पे करने होंगे जब वो 500 ओल्ड ब्रिक्स खरीदेगा। तो ओल्ड ब्रिक्स खरीदने में की वैल्यू, ओल्ड ब्रिक्स की वैल्यू क्या थी, यहाँ देखो, ओल्ड ब्रिक्स 1200 फॉर 1000। अब 1200 उसने 1000 ब्रिक्स के लिए दिए हैं, तो हम क्या करेंगे ना, हम डिवाइड कर लेंगे और ये पता लगा लेंगे कि एक ब्रिक कितने रुपीज़ की आ रही है, है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि हम ये निकाल लें, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि एक ब्रिक कितने रुपीज़ की आ रही है, तो वही अगेन जीरो से जीरो हमने कट कर दिया और 10 में 2 का डिवाइड करेंगे। तो मैंने बताया था आपको थर्ड क्लास में कि 3/10 किया है, मीन्स जितने भी नीचे जीरो हैं उतने ऊपर वाले डिजिट में राइट हैंड साइड से डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दूँ। तो यहाँ क्या है, एक जीरो है, तो हमारे पास बचा ऊपर क्या, 12 बचा हुआ है, नीचे 10 है, तो हम राइट हैंड साइड से डिजिट काउंट करेंगे 2 के बाद डिजिट लगा डेसिमल लगा देंगे, तो और ये कट हो जाएगा, तो आ गया 1.2। दूसरा तरीका ये है कि 1200 ब्रिक्स खरीदी हैं, 1200 रुपीज़ में कितने ब्रिक्स आई, 1000। हमें से पूछा है 500 ब्रिक्स कितने की आएंगी, मीन्स इन ईट्स ब्रिक्स को हाफ कर दिया,
हाफ़ कर दिया तो हम इन रुपीज़ को भी हाफ़ कर देंगे, हाफ़ करने का मतलब टू से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो टू वन ज़ा टू, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, और दो जीरो बचे वो जीरो ही हम यहाँ लगा देंगे, तो कितने रुपीज़ हो गए, 600। और यही मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है। व्हेन भजन बाय ओल्ड ब्रिक्स, जब वो ओल्ड ब्रिक्स खरीद रहा है, नंबर ऑफ ओल्ड ब्रिक्स भजन बाय 500 खरीदना चाहता है, कॉस्ट ऑफ 1000 ओल्ड ब्रिक्स 1200, 1000 ओल्ड ब्रिक्स की कॉस्ट है 1200, कॉस्ट ऑफ 500 और हाफ ऑफ 1000। मैंने कहा वहाँ मैम ने क्या किया, 1000 का हाफ किया, क्योंकि हाफ ही खरीदनी है उसको, तो हम रुपीज़ भी हाफ कर देंगे, इसलिए हमने 1200 में 2 का डिवाइड किया और आंसर आ गया रुपीज़ 600। आई थिंक आपको समझ आ गया है। और अब आपका होमवर्क है कि आपको ये जो एक्सरसाइज दी है ना, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में कर लेनी है, इन्हें समझ लेना है और कर लेना है। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछेंगे मैम पिक्चर बनानी है क्या, तो पिक्चर आप देख लीजिए, अगर आप बना पाओ तो, अदरवाइज़ आप नहीं बना पाओ तो कोई बात नहीं। इस लेक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाले दो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड लक, बाय बाय।